हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है 23rd। कल इतना खूबसूरत व्लॉग बना था और घूमने गया था मैं। आज पर रोहन का फ़ोन आया था चलो घूमने, मैंने कहा नो। तो वो अमन को लेके गया, अमन की वाट लग चुकी है, अमन को पढ़ाने जाना था बट उसका लेट हो गया थोड़ा, और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उस रोड पर है इसलिए मैं नो। तो आज के व्लॉग के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास करने को, अभी लल्ला और शाश्वत आ रहे हैं आई थिंक। एंड दूसरी बात ये कि सिंपल सा मैं बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, शैंगची आ चुकी है जिनके लिए सिनेमा हॉल्स नहीं खुले उनके लिए बहुत अच्छा, हॉटस्टार प्लस पे आज शैंगची रिलीज़ हुई है। दूसरा रिलीज़ हुई है लॉक एंड की, जिसका मैंने पहला सीज़न रिव्यू किया था, सेकंड सीज़न आज रिव्यू करने वाला हूँ तो आगे व्लॉग में वो होगा। भुवन बंग का सेकेंड एपिसोड आ गया है, डिंडोरा का वो रिव्यू होगा इस वीडियो व्लॉग में, और बहुत सारी चीज़ें रिव्यू होंगी, ज़्यादातर ये रिव्यू व्लॉग होने वाला है तो अंत तक देखना। तो मैं बाहर गया था एंड कल भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बट सबसे बड़ी बात ये है कि मैं गया, आलोक भैया से मिला हूँ, उनके बर्थडे पार्टी लिया हूँ, अपनी बर्थडे पार्टी उनको नहीं दिया, बर्थडे पार्टीज़ हुई हैं जो बची हुई थी जितने लोगों को, उन सारे लोगों के साथ हुई है तो उसको मैं शूट नहीं कर पाया, बस थोड़ा सा पार्टी वार्टी हुई। एंड बात सबसे बड़ी ये करनी थी, भुवन बंग का सेकंड एपिसोड आ गया है, मुझे एपिसोड उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, पहली बार छोटा था 24 ही मिनट का, आई थिंक जितने बड़े एपिसोड मतलब बार बार में एपिसोड छोटे होते जाएंगे, और बहुत ही स्पीड में ये एपिसोड ख़त्म है, समझ में नहीं क्या कब शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें उनका हैंड शॉट्स आए हैं बहुत सारे और बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है, अच्छी तरह शूट हुआ है। दूसरी बात ये कि ब्लॉक एंड की का सेकंड सीज़न आ गया है, अभी तक मैंने नहीं देखा, आज रात को देख के खत्म करूंगा, कल उसका रिव्यू मिल जाएगा। तो ब्लॉग को एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, चैनल अच्छा सब्सक्राइब करें, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कल।